इतनी सारी चीजें तो आपको कंपनी टॉप मॉडल में भी नहीं देती है। बिल्कुल सही, इतना खूबसूरत इसका जैसे जी टिकट हमने चारों तरफ इसके लगा दिए, इंटीरियर में हमने वर्क कर दिया, कैसा लगा सर आपको सारा काम? काम भी करके दिया है जी, बहुत बेहतरीन काम करके दिया और कम दामों में करके दिया है। बिल तो खैर ज्यादा नहीं लगा लेकिन बिल मुझे खुद ही कम लग रहा है जिस हिसाब से काम हुआ है। जिस हिसाब से काम हुआ है उस हिसाब से बिल कम है। दोनों में LED इंस्टॉल कर दिया, यानी कि हेडलाइट में देख सकते हैं और फॉग लाइट में भी, ठीक है, प्लस इसकी पार्किंग में भी। ये देखो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्रेक लाइट और मिल जाती है। टिकट का जो हिस्सा है ना रियर वाला वो यहाँ पर लग चुका है, प्लस इसमें आपको अच्छी बात लगा लाइट के साथ। ये देखो भाई तो इंडिकेटर भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, दोनों साइड में है, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये थोड़ी सी यूनिक हम लेके आए हैं इस बारी। ये देखो सीट कवर ना भाई ऐसे लगाना चाहिए यूनिक कलर के। ये देखो जैसे कि ये हो गया कलर, ये हो गया कलर, ये बट बाकी का ये देखो कितना प्यारा सा कलर लग रहा है। ये आपका पर्शियन ब्लू में है, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी सीट के ऊपर लगाया जा रहा है, कपड़े की सीट साथ ही टाटा की तरफ से, बट इस पर हम लेदराइट करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना ये कलर बहुत ही डिफरेंट है, इसके डोर गत्तों पे भी हमने इंटीरियर वर्क ना यही किया है। प्लस आप इसके जब गाड़ी की जब अंदर की चीज दिखाऊंगा यानी कि अंदर की लुक दिखाऊंगा तो उसके आप इंटीरियर में भी यही कलर देखोगे, आप देखना कि कैसे लुक निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पर व्हाइट जो पाइपिंग है ना, क्योंकि ये बकेट सीट्स है तो पाइपिंग जो हमने व्हाइट में रखी है तो कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है और आप क्या अपनी गाड़ी में इस कलर के सीट कवर लगवाना चाहोगे। दोस्तों हमारे फिर से स्वागत है मेरे चैनल कारखाना पे और आज वापस एक नई पंच आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट कलर की अपनी पंच है और ये बता दूं इसका एडवेंचर वेरिएंट है, सही बोल रहा हूँ कि एडवेंचर वेरिएंट अपने पास आज आया था और इसमें हमने काफ़ी कुछ इसमें चेंज कर दिया जो कि आपको अभी सामने दिख भी रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करी हैं। तो कैसे आप अपने वेरिएंट को अपग्रेड कर सकते हो और अगर आपके पास बेस वेरिएंट भी है यानी कि इसका जो प्योर वेरिएंट है वो भी आप लेके आ सकते हो, हम उसको आपको टॉप बना करके यहाँ पर देने वाले हैं। तो श्री भैया बताना शुरू करो कि क्या क्या हमने चीज़ें इसमें लगाई हैं। इसमें हम सबसे पहले लगाए हैं GT किट, ओके, जो कि आप देख सकते हैं फिनिशिंग, ठीक है ना, लोगो बैजिंग के साथ, ठीक है। GT की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और वाइट गाड़ी पे ना ये वाला जो टोन है यानी कि वाइट और ब्लैक वाला ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हाँ जी ठीक है। इसमें एडवेंचर मॉडल में भी फॉग लैंप कंपनी नहीं देती है, ओके, तो इसमें हम टाटा जेन्युइन फॉग लैंप जो है ना इंस्टॉल किए हैं, ओके ठीक है। और LED भी लगाई है हमने, इसमें LED भी डाले हैं साथ में, ओके, फॉग लैंप LED भी डाले हैं। कितने वाट का इसमें डाले? 120 वाट। 120 वाट, हाँ जी। अगला बताओ। उसके बाद इसमें हम हेडलाइट में जो है कि LED डाले हैं, हेडलाइट में LED डाली है, हाँ जी, जो रहने वाली है 160 वाट, ठीक है। 160 वाट की LED आपको हेडलाइट में भी मिल गई, हाँ ठीक है। प्लस इसके सराउंडिंग में देख रहा हूं इसमें लगाए हैं ग्लॉसी किट, पियानो ग्लॉसी किट हमने यहाँ पर लगा दिया, हाँ जी। जिसके अलग अलग हिस्से वो भी आपको अभी हम दिखा देंगे, हाँ ये हेडलाइट के ऊपर अभी लगाया, हाँ जी, ये हम फ्रंट में इतना काम किया है। उसके बाद इसमें हम लगाए हैं टाटा का लोगो बैजिंग, बैजिंग पंच की बैजिंग, हाथ हटाओ। ये देखो तो पंच की बैजिंग भी यहाँ पर हमने लगा दिया और काफ़ी अच्छी लग रही है, देखो लुक निकल के आती है, पंच अच्छा लगता है इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। और क्या किया भैया इसके बाद? इधर आ जाइए, इसमें हमने इसकी पार्किंग भी वाइट करी है, हाँ इसकी पार्किंग भी हम वाइट करें, वो अभी जला करके हम दिखाएंगे, ठीक है, वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में, हाँ, जला करके दिखाते हैं। फिर ग्लोसी किट में अपना आ गया साइड मिनर का, ग्लोसी में आ गया अपना साइड मिनर भी, ठीक है, साइड मिनर आ गया यहाँ पर और ये ग्लोसी किट का हिस्सा इसके ऊपर यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद ये अपना हैंडल कवर, ठीक है, ये रियर हैंडल पे भी लगा, बैक साइड रियर हैंडल, ओके, टेल लाइट का, और टेल लाइट के ऊपर भी लग गया, ये देखो आप, ठीक है। और इस तरह से भैया एक बार थोड़ा लाइट जलाओ, हाँ, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद हम इसमें लगाए हैं रिफ्लेक्टर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप ये हम लग लगाए हैं और ये जो GT किट का जो हिस्सा है ना रियर वाला वो यहाँ पर लग चुका है, प्लस इसमें आपको अच्छी बात बता लाइट के साथ, ये देखो भाई लाइट के साथ इंडिकेटर देंगे तो इंडिकेटर भी इसमें ब्लिंक करेगी, ठीक है, एक बार इंडिकेटर दो भैया। ये देखो भाई तो इंडिकेटर भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, दोनों साइड में है, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो तो ये थोड़ी सी यूनिक हम लेके आए हैं इस बारी। ये देखो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा भैया ये, ठीक है, ये देखो। अच्छा साइड में भी इसका हिस्सा, ये आपको भैया ने अभी बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। तो GT किट आपने फ्रंट में और रियर में देख लिया,
प्लस साइड में भी यहाँ पर हमने लगाया जिसपे पंच की बैजिंग आपको मिल जाती है। ये देखो कितने अच्छे लुक निकल के आ रही है, पूरी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ। ये देखो तो कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी की जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। उसके बाद इसमें लगाया रूफ रेल, ठीक है, गैलियो का। ये देखो भैया तो पूरी गाड़ी भी हिला देते हैं भैया, गैलियो की रूफ रेल में लगा दिया इसमें, प्लस डोर वाइजर लगा दिया। हाँ जी, गैलियो का डोर वाइजर लग गया, ठीक है, पंच की बैजिंग के साथ में है। हाँ जी, उसके बाद लोअर गार्निश रह गया भैया। हाँ, एक डोर में जो है कि अपना लोअर गार्निश हो गया, ये देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ, ठीक है। तो ये लोअर गार्निश भी अपनी गाड़ी में लगा लेते हो ना, काफी प्यारी लुक आ जाती है इससे, ठीक है। तो ये देखो साइड प्रोफाइल हो गया। फ्रंट में मैं आपको दिखाई थी कि जैसे हमने जो भी LED इसमें लगाई थी, बट अब आपको इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ मैं। ये देखो कुछ इस तरह का जो थ्रो है ना वो आ रहा है। ये देखो आप इसकी आप लुक देख सकते हो, देखो किस तरह से इसकी लुक निकल के आ रही है, ये देखो, ठीक है। तो इसकी में हमने जो दोनों में LED इंस्टॉल कर दिया, यानी कि हेडलाइट में देख भी सकते हैं और फॉग लाइट में भी, ठीक है, प्लस इसकी पार्किंग में भी। तो पार्किंग बल्ब भी हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, और आपके पास ऑप्शन होता है आप यहाँ पे DRL भी लगा सकते हो, यूनिवर्सल टाइप वाला जो DRL है वो लगा सकते हो, UFO लाइट आप यहाँ पर लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है। तो गाड़ी तो देखो आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ करा सकते हो, आइडिया आप दोगे ना हम सब कुछ आपकी गाड़ी में आपको लगाकर देने वाले हैं। या आपने फ्रंट देख लिया, आपने साइड देख ली, और आपको मैंने रियर भी दिखा दिया। रियर में रह गया अपना स्पॉइलर, लाइट वाली है स्पॉइलर। तो ये आप देख सकते हो, पहले आपको ऊपर से दिखा दूँ मैं, कुछ इस तरह से लुक आ रही है। ये देखो भैया एक बार स्पॉइलर भी जला कर दिखा दो। ये देखो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्रेक लाइट और मिल जाती है, कंपनी से तो यहाँ पर आती है, बट यहाँ पर हमने आपको स्पॉइलर में भी लाइट लगा के दी है। और ये स्पॉइलर आता ही ऐसा है, मतलब इसमें लाइट वाला है, एक हमारे पास ऑप्शन आता है जिसमें लाइट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी लग चुका है एंटीना, हम इसमें शार्क फिन लगा सकते हैं, बट इसको हमने शार्क फिन आज नहीं दिया है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से काम हुआ है। देखो अंदर चले, उससे पहले आप देखो गाड़ी का इंटीरियर जो कि डोर पर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ही यूनिक कलर में है, यानी कि पर्शियन ब्लू हमने यहाँ पर इसको दिया है। सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, कंपनी से ना भाई ये पैनल और जो डैशबोर्ड पे जो पैनल्स हैं ये प्लास्टिक का रफ प्लास्टिक आता है, बिल्कुल ही खरदुड़ा सा होता है, अच्छा नहीं लगता, बट एक प्रीमियम क्लास यहाँ पर और फिनिशिंग के साथ में भाई, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो चारों की फुल गारंटी, 100% फुल गारंटी है फिनिशिंग की, ओके, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे भी यहाँ पर लगाया गया है, दो हिस्से देखो डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड का दो हिस्से हो गए, एक ये पार्ट हो गया, एक छोटा वाला ड्राइवर साइड से पार्ट हो गया, ठीक है। ये आप देखो यार फिनिशिंग एक नंबर की है भाई, ठीक है, ऐसा काम ना आपको बहुत ही रेयर जगहों पे मिलता है जैसा फिनिशिंग का काम यहाँ हुआ है। प्लस सीट कवर में आप फिनिशिंग देख सकते हैं, सीट कवर की फिनिशिंग दिखाऊं, सीट कवर ऐसे लगाया ना भाई साहब आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप सामने होते ना, सही बता रहा हूँ, इस टाइम पे थोड़ा सा ये अभी थोड़ा सा रात का भी सीन हो गया, प्लस अभी क्या है ना कि लाइटिंग का थोड़ा इशू है, वरना आप यहाँ पर देखो आपको बड़ा ही पसंद आता। ये कुछ इस तरह का है, अच्छा प्लस पता है क्या, ये तीन कलर में बना हुआ है, लाइक इसमें ब्लैक भी है, पर्शियन ग्रीन भी है या ब्लू है, और यहाँ पर वाइट पाइपिंग भी है, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। बकेट में ये सीट्स रहने वाली हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, कम्फर्टेबल सीट्स वैसे ही लग रही हैं। प्लस स्टेयरिंग में भी हमने सेम कपड़ा लगाया, हाँ जी सेम कपड़ा डबल में। कई बंदे क्या करते हैं मार्केट में कि वो सीट कवर जो लगाएंगे उसको सिंगल कलर कहेंगे, सर लगा देता हूँ, हाँ वो अच्छा नहीं लगता, लुक नहीं देता है, बिल्कुल ये हम डबल में लगाते हैं ताकि गाड़ी में लुक दे, बिल्कुल सही बात है। तो ये आप खुद देख सकते हो, और अगर मैं पीछे वाली सीट्स पे आपको दिखा दूंगा तो ये देखो लुक तो भाई साहब निकल के आ रही है, देख सकते हैं पीछे भी कहीं से कोई रिंकल नहीं मिलेगा, कोई रिंकल नहीं है भाई, ये देखो क्या फिनिशिंग के साथ में, मजा आ जाएगा अगर आप ये सच में देख लोगे ना आप। इसके अलावा मुझे नहीं लगता भैया कोई दूसरा कलर किसी को पसंद आएगा, नहीं, ठीक है, इतना सुंदर इतना प्यारा कलर लग रहा है ना भाई साहब, जबरदस्त यार। नीचे भैया क्या किया है, नीचे हम फ्लोरिंग डाले हैं, और भैया जो है कि लॉन्ग लाइन वाले मैट मांगे हैं तो ये मैट लिए हैं, ठीक है। मैट की तो देखो चॉइस होगी आपकी, हाँ जैसी वो जैसी जिनकी चॉइस होगी वैसे मिलेगा, ठीक है। बाकी पीछे वाले डोर्स पे भी आप देख लो, ये देखो तो फिनिशिंग कुछ आपको इस तरह से मिल रही है। पावर विंडो तो इसमें आई थी भैया, हाँ जी इसमें पावर विंडो इस वेरिएंट में आती है, ठीक है। लेकिन जिस भाई की गाड़ी में, यानी कि प्योर वाले भाई जो है अपने, उनकी गाड़ी में अगर नहीं आया ना तो सेम पावर विंडो यानी कि कंपनी फिटेड पावर विंडो हम आपकी गाड़ी में आपको लगा करके दे देंगे, और सेम कंट्रोल जो आप इस वाले वेरिएंट में देख रहे हो यानी कि एडवेंचर वेरिएंट में, तो सेम कंट्रोल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, कंपनी का ही हम आपको लगा के देंगे। जिस भाई को ऑटो फोल्ड मिरर कराने होंगे तो ऑटो फोल्ड मिरर भी करवा सकता है। इसमें कंपनी से जो है ना देखो क्या डब्बी लग के आती है एडवेंचर मॉडल में, ये 2 DIN लग के आता है भाई ऐसा, ठीक है। इसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे कितने इंच का लगाया भैया, यहाँ पे जो है कि हम 9 इंच का लगाए हैं, 9 इंच की स्क्रीन लग चुकी है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया,
32 2GB 32GB वाला है, ठीक है। थोड़ा सा चला के दिखाओ इसको। बिल्कुल, और इसमें एक नया ऑप्शन और है, ठीक है। जो दरवाजा खोल के रखेंगे ना, हाँ, वो हमारा यहाँ मीटर की तरफ शो करेगा। देखो अभी भैया की साइड में करती खुला हुआ है और एक मेरी साइड वाला भी खुला हुआ है, जरा वो वाला बंद करना, ये देख सकते हो आप। ओ नाइस यार, ये अच्छा फीचर दे दिया भैया। ओडी मर्सिडीज BMW वाला लुका पंच में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये एक बारी मैं अंदर बैठ जाता हूँ और इसको भी मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये भी बंद हो गया। अब हम अपना साइड का खोलेंगे, ठीक है। ये देखो भाई खुल गया, देखिए बंद करना। बहुत बढ़िया, तो ये आप फीचर भाई आपकी गाड़ी में मुझे लगता है होना ही चाहिए, मजा आ जाता लगाने के बाद। अल्ट्रा HD क्वालिटी का कैमरा, अल्ट्रा HD क्वालिटी कैमरा, ये देख सकते हो आप पीछे कितना डिफरेंस है, फिर भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, आप सच में यार, मतलब आप क्लैरिटी देख सकते हो कैमरे की कितनी जबरदस्त है, एक एक चीज पढ़ा भी जा रहा है भाई साहब, ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो क्वालिटी एक नंबर है, HD क्वालिटी में रहने वाला है ये। हाँ जी भैया, सबसे प्यारा मुझे इंटीरियर लग रहा है, प्लस आपने इसमें एम्बिएंट लाइट, इंटीरियर जो भैया करवाते हैं उनको मैं एम्बिएंट लाइट जरूर लगवाता हूँ, वो भी K4 के अंदर, K4 में, ये देख सकते हो आप, सच में प्यारा लग रहा है यार। और मैं अगर इसके मोड चेंज करूँ, ये देखो बहुत सारे मोड हैं, आप फोन से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसमें एक रेनबो वाला है मेरा फेवरेट, वो लगाऊंगा मैं। ये आप देख सकते हो, जबरदस्त है यार, मजा आएगा आपको। ये देखो भैया, ये कितने पीस में लगाया हमने? ये हम 10 पीस में लगाए हैं, 10 पीसेस में लगाए हैं। हाँ जी, दो डैशबोर्ड पे हो गए, चारों दरवाजे पे हो गए, ठीक है, दो हमारे पैर के पास हो गए। ये देखो, तो ये डैश के नीचे भी लग चुका है और अच्छी खासी एम्बिएंट लाइट आपको अपनी गाड़ी में, दो जो है कि हमारे बैक साइड सीट के नीचे लग चुका है, ठीक है, तो दोनों सीट के नीचे भी लग चुके हैं। हाँ जी, तो ये प्यारी सी चीज यहाँ पर लगा दी गई है। अगर आप बेस मॉडल गाड़ी लेके आते हैं तो आपको स्टीयरिंग कंट्रोल भी मिल जाएंगे, ठीक है, एंड्रॉइड मिल जाएंगे, हाँ, हेडलाइट का जो है कि फोग लैंप वगैरह मैं आपको दिखाई दिया हूँ, DRL मिल जाएंगे, मिरर फोल्डिंग हो जाएंगे, मिरर फोल्डिंग हो जाएंगे, सेंटर लॉकिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कंपनी आप कहिएगा वो कंपनी मिलेगा, RD कहिएगा RD मिलेगा, ट्रॉक कहिएगा ट्रॉक मिलेगा, टॉर्क, हाँ, ब्लैकेट कहिएगा ब्लैकेट मिलेगा, जो कंपनी आप मांगेगा वो कंपनी हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। चलो अब एक बार कस्टमर से बात कर लेते हैं, उनसे अब उनका रिव्यू लेते हैं कि उनको ये सारा काम कैसा लगा। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कारखाना पे आपका। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अखिल गुप्ता। कहाँ से आए सर? सर मैं शाहदरा से आया हूँ। शाहदरा से आया सर, अपनी गाड़ी यहाँ पर आप लेके आए और उसमें काफ़ी कुछ आपने चेंज करवा दिया, मॉडिफिकेशन करा दिया, इतनी सारी चीज़ें तो आपको कंपनी टॉप मॉडल में भी नहीं देती है। बिल्कुल सही, इतना खूबसूरत इसका जैसे GT किट हमने चारों तरफ इसके लगा दिए, इंटीरियर में हमने वर्क कर दिया, कैसा लगा सर आपको सारा काम? जैसे हमने नाम सुना था करोल बाग भरत मोटर्स का जी, और इन्होंने काम भी करके दिया है जी, बहुत बेहतरीन काम करके दिया और कम दामों में करके दिया है जी, तो मुझे तो खुशी है कि मुझे इतने कम दामों में और इतना अच्छा काम मिला। ओके। अगर मैं किसी को अगली बार सुजाइश करूँगा तो आप भरत मोटर्स करोल बाग आइए, और अगले महीने मैंने स्कॉर्पियो लेनी है, उसका भी काम मैं यहीं करवाऊंगा। बहुत बढ़िया, यानी कि सर देखो काम से इतना आप खुश हैं कि आप दूसरी गाड़ी भी जो लेके आने वाले, नई गाड़ी भी सर पहले बता रहे कि मैं यहीं लेके आऊँगा और यहीं काम होगा। सर अगर इस काम के लिए फॉर्मेलिटी करें, अगर 10 में से कुछ नंबर मांगो, कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 10 पूरे। और सर आप जैसे दिन में आ गए थे तो बराबर इन्होंने आपसे चाय पानी पूछा नहीं पूछा? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखा इस चीज का, जैसे गर्मी थी उस हिसाब से इन्होंने पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बहुत अच्छी बात कुछ। है तो चलो बहुत अच्छी बात है सर यहाँ पर आए और अपना खुश होकर के जा रहे हैं काम से। अच्छा सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, इतना देखो आपने काम जैसे कराया तो इस काम के लिए आज आपका कितना बिल लगा, कितना पे किया आपने? बिल तो खैर ज्यादा नहीं लगा, लेकिन बिल मुझे खुद ही कम लग रहा है जिस हिसाब से काम हुआ है, जिस हिसाब से काम हुआ है उस हिसाब से बिल कम है। फिर भी सर कितना कितना बिल पे किया आपने? मैंने यही अपना 48,000 रुपये पे किया है। 48,000 रुपये पे किया है आपने? ओके। तो अच्छा भैया कॉम्बो में तो नहीं लगाया ना सर ने कुछ? ठीक है ठीक ठीक है, तो 48,000 रुपये में देखो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि आप अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लगवा सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर आप बेस वेरिएंट लेके आते हो ना तो यही सारा काम आपकी गाड़ी में भी हो जाएगा, एक आध चीज़ें जो आज इसमें नहीं है ना वो भी आप अपनी गाड़ी में करा सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी ये बताना ज़रूर। अच्छा जैसा आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे हो कि भारत मोटर एंड कार्स पे सारा काम हुआ है, और आपको बता दूं कि इसका ना अब नाम जो है वो थोड़े दिनों में आपको चेंज मिल जाएगा,
तो पहले आपको दिखा देता हूँ, और मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, पीयूष का डेकोर इसका अब नाम हो जाएगा कुछ दिनों में, ये बोर्ड जो है ये रिप्लेस होने वाला है। तो आप ध्यान रखना कि पीयूष का डेकोर के नाम से आपको यहाँ पर आना है और अपना सारा काम करा लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हो, वीडियो को कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ भी पूछना हो तो भैया के नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आओ अपने पैसे बचाओ जैसे सर ने बोला। सर आपको लगा ना कि पैसे बच गए भाई? बिल्कुल बिल्कुल 100%। घर से जब आए थे ना तो एक बजट सोच के आए होंगे आप, है ना, कि चलो इतना ले चलते हैं, इतने में काम कराएंगे, कितना सोच के आए थे? मैं सोच के आया था कि इसमें कम से कम लग जाएंगे 60-70 हज़ार। अच्छा, लेकिन आपका 48 में काम हो गया? 48 में और सारा काम हो गया मेरा इसमें। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, सर खुश होकर के जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो यही काम आपकी अपनी गाड़ी में भी हम करके आपको दे देंगे। प्लस यहाँ पर आप जैसे देखोगे, ये देखो तो ये लाइट कितनी प्यारी और खूबसूरत सी लग रही है यार।